हेलो गाइस, मंडी न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे अमेजोन प्राइम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे नेटफ्लिक्स और टाटा स्काई शो से रिलेटेड अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे उन अपकमिंग मूवीज के अपडेट के बारे में जो कि हिंदी में रिलीज हो चुकी है और फ्यूचर में रिलीज होंगी इन हिंदी में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी कमाल के हैं और साथ ही साथ वीडियो के एंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा और काफी कमाल के सरप्राइजिंग अपडेट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरियन की एक मूवी के बारे में जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उसे 4 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, जिसमें कि बेस्ट निर्देशक, बेस्ट ओरिजिन स्टोरी, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म। जी हाँ, 4 ऑस्कर अवार्ड के साथ जब इस मूवी ने जीती थी इतने सारे अवार्ड, तो ये कोरिया में और चाइना में सबसे ज्यादा मूवी और जाना देखने का रिकॉर्ड भी बना, तो ये काफी बड़ी बात है। अब आपके लिए खुशखबरी है Amazon Prime यूजर के लिए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि ये मूवी ऑफिशियली हिंदी में डब हो रही है और हो भी चुकी है और आपको ये Amazon Prime पर जल्दी से हिंदी में देखने को मिलेगी। और आपको मैं बता दूं, ये मूवी बेस्ट होने वाली बहुत ही ज्यादा और आपको पसंद भी आएगी। जैसे आपने जॉम्बी ट्रेन टू बुसान देखी थी, वो आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी बन चुकी है, अब इसके बाद आपको पैरासाइट भी ये मूवी Amazon Prime पे फेवरेट होने वाली है। जी हाँ, अब इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात करते हैं, ये मूवी कब Amazon Prime पर रिलीज होगी इन हिंदी में। तो रिलीजिंग डेट जो पता चली है वो है 27 मार्च को आपको ये मूवी Amazon Prime पर हिंदी में देखने को मिलेगी। अभी स्टोरी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 27 मार्च को आप रेडी रखिएगा और इस मूवी को देखिएगा। काफी कमाल की, 4 ऑस्कर अवार्ड मिले तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी लेवल की मूवी होगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अपडेट के बारे में, यानी कि चाइना से रिलेटिव। अब इसका संबंध हमसे रिलेटिव या इंडिया से रिलेटिव तो है नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अब हैरी पॉटर की जितने भी ऑल पार्ट है वो सारे के सारे पार्ट फुल HD में रीमास्टर करे जा रहे हैं, यानी कि 4K में प्रिंट में लॉन्च करे जाएंगे और चाइना के थिएटर में इस मूवी को दोबारा से रिलीज करा जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट तो बॉक्स ऑफिस को ही होगा और हैरी पॉटर की सीरीज को होगा, क्योंकि उसका कलेक्शन बढ़ेगा और लोगों को जो इसके फैंस हैं वो इस मूवी को देखने जाएंगे। अब एक और अपडेट काफ़ी कमाल के मार्वल फैंस के लिए। जी हाँ, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एवेंजर्स और एवेंजर एज ऑफ द अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, ये चारों पार्ट चाइना में दोबारा से थिएटर में लगेंगे। जी हाँ, अभी इसका रूमर है, कोई ऑफिशियली मार्वल ने अभी अनाउंस नहीं करा है, पर ये मूवी चारों चाइना में दोबारा से रिलीज होंगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे हिसाब से कि जब चाइना में लोग इतने ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, कोरिया में तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो देखने कौन जाएगा, अब ये तो कुछ पता नहीं। अब उसके बाद टाटा स्काई शोज के इससे रिलेटिव एक अपडेट ये है कि जुमानजी वेलकम टू द जंगल फाइनली आ चुका है। जिनके पास टाटा स्काई लगी हुई है वो जाके इस मूवी को देखिए, काफी कमाल की मूवी है और रेटिंग्स तो बहुत ही अच्छी गई हैं। तो जिनके पास टाटा स्काई जाके देख लो, हिंदी में मूवी आ चुकी है। अब एक अपडेट है सोनी से रिलेटिव। तो फाइनली सोनी एक स्पिन ऑफ मूवी के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम मैन वुल्फ। अब वेनम, कर्नेज, मॉर्बियस, इनके ऊपर तो मार्वल ऑफिशियली काम कर ही रहा है सोनी के साथ मिलकर। अब एक और अपडेट आया कि मैन वुल्फ, तो ये भी एक विलेन है स्पाइडरमैन का जिसके ऊपर ऑफिशियली एक सोलो मूवी बन सकती है, पर कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स के अपडेट के बारे में। तो अगर आप एक एनिमी फैंस हो और एक नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर हो, तो आपके लिए एक और एनिमी मूवी आ चुकी है, की डिलीवरी सर्विस। तो ये मूवी काफी कमाल की है और ये भी हिंदी में डब हो चुकी है, आप जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो भी लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानो। बाय बाय, जा रहा हूं।